सबसे बड़ी बीजेपी की टीम जो है, ए टीम, वो तो खुद एनसी वाले हैं। ये चीज तो लोग भूल ही गए हैं, ये चीज तो एनसी वाले खुद भी भूल गए हैं कि बीजेपी को यहाँ लाने वाले एनसी वाले हैं। उमर अब्दुल्ला इतना बड़ा टरबाज है, वो इतना बड़ा झूठा है, वो खुद अपने गिरेबान में झांक के पहले क्यों नहीं नजर मारते। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पूरे इंडिया की सबसे घटिया डायनेस्टिक पार्टी है, जिन्होंने हर वक्त हर किसी इंसान पे जो उनके साथ नहीं थे उन पे इल्जाम लगाए हैं। जैसे कि जो भी उनके साथ नहीं है वो या तो बीजेपी के ए टीम, बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की सी टीम बना देते हैं, या तो उन लोगों को एजेंसीज का नाम लग जाता है, या तो उन लोगों पे कुछ और इल्जाम लगा देते हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी थ्रेट जो है हमारे ऊपर आता है, हम जैसे लोगों पर आता है जो कि पॉलिटिकली अपना सिर्फ काम कर रहे हैं। टरबाज उमर अब्दुल्ला इतना बड़ा टरबाज है, वो इतना बड़ा झूठा है। मैं अपनी ही बात करूं, 5 साल पहले उन्होंने मुझे कहा था कि वो मेरी ज़िंदगी बनाएंगे और 5 साल पहले उनकी वजह से मैंने पॉलिटिक्स में कदम रखा था। उन्होंने मुझे कहा था, वुड यू लाइक टू वर्क फॉर माई पॉलिटिकल पार्टी, वुड यू लाइक टू वर्क फॉर माई मीडिया टीम, एंड आई सेड यस, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं विद टाइम उनको ये बात समझ आ गई दैट शी इज़ समबडी जो किसी की गुलाम नहीं बनेगी, जो किसी की गुलामी नहीं करेगी, और उसकी वजह से जो है उनके अंदर ही अंदर मेरे खिलाफ जहर बनता गया, बढ़ता गया। और अभी जो वो ओपनली कभी सज्जाद साहब पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी हमारी पार्टी में से किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं पूछती हूँ कि वो खुद अपने गिरेबान में झांक के पहले क्यों नहीं नज़र मारते। उनने तो बीजेपी के अंडर, वो अभी उनका एक रीसेंट इंटरव्यू आया था जिसमें वो कह रहे हैं कि वाजपेयी जी के साथ जब मैंने काम किया मुझे फ़ख्र था, अगर वो वाजपेयी जी आज भी ज़िंदा होते तो मैं आज भी उनके साथ फ़ख्र से काम करता। तब बीजेपी बुरा बीजेपी नहीं था, आज बीजेपी बुरा हो गया, आज बीजेपी की बी टीम हो गई, बीजेपी की सी टीम हो गई, बीजेपी की डी टीम हो गई, सबसे बड़ी बीजेपी की टीम जो है ए टीम, वो तो खुद एनसी वाले हैं। ये चीज़ तो लोग भूल ही गए हैं, ये चीज़ तो एनसी वाले खुद भी भूल गए हैं कि बीजेपी को यहाँ लाने वाले एनसी वाले हैं। रास्ता दिखाया उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को कश्मीर का।